नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रायसेन सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत एवं प्रदेश सरकार की लाभप्रद योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को आच्छादित किया जाए और समस्त निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस के रावत, DFO राकेश चंद्रा, उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, उप निर्देशक कृषि डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा, पीडी श्रीनिवास सहित अन्य समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, CDPO थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। का निस्तारण हुआ है, 78 शिकायतों में एक का निस्तारण हो चुका है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समयावधि में तहसील दिवस का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके जहाँ बात होती है अवैध कब्जों की, पब्लिक से अवैध कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं, वहीं आपके कोतवाली देहात की पुलिस और लखनऊ चुंगी की पुलिस रोड को इंक्रोच कर रहे हैं, अपनी कोतवाली और चौकियां बढ़ा के आगे बाउंड्री कर रहे हैं। जब सरकारी पुलिस ही अवैध कब्जे करेगी तो फिर पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवैध अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, चाहे पुलिस हो चाहे कोई। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।